गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप देख रहे हो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकलेंगे खारदुंगला के लिए। खारदुंगला होते हुए भाया नूरा वैली हम लोग जाएंगे हुंडूर में। आज का नाइट वहीं स्टे करना है, तो चलिए चलते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, हमने आपको बताया था हमने यही 3 बाइक रखा है अपने नेक्स्ट 1 वीक के लिए। तो चलिए राइड स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइज, हम लोगों ने अपना राइड स्टार्ट कर रखा है। जय माता दी। देख रहे हैं ठीक है भाई, ऑलरेडी जोश में आकर ठीक है, और आसिफ भाई आगे निकल चुके हैं। आप जैसा देख रहे हो हमने 3 बाइक लिया था, हम लोग टोटल ग्रुप में 4 हैं। ठीक है भाई अपना 350 चला रहे हैं, और आसिफ भाई अपना 1 हिमालयन चला रहे हैं जिसमें कि सामान लोड है, और पीके भाई की भी गाड़ी में सामान लोड है। जो हिमालयन मैं वाइट कलर का चला रहा हूँ जिसमें कि डबल लोड है, मैं और शशांक, तो हम दोनों ने रखा है। एक्चुअली हमारा प्लान ही ऐसा था कि अगर कोई रास्ते में टायर्ड हो जाए या कुछ भी इमरजेंसी आ जाए तो हम स्विच कर सके दूसरे को और बंदा रेस्ट कर सके। तो इसी वजह से हम लोगों ने 3 ही रखा था, नहीं तो हमारा प्लान पहले ही था ना। उसने यहाँ से हमारा पहला टर्न आता है, हमने सिटी से निकला ही था, ये खारदुंगला की ओर जाने वाला रास्ता है। और हम लोग को अभी समझ नहीं आ रहा है कि हमें स्ट्रेट जाना है या राइट लेना है, तो इस वैन से हम लोग पूछते हैं। पीके ने हाथ दिया है, देखते हैं क्या बोलता है। तो मुझे लगता है कि शायद राइट ही जाना है। जी हाँ, हम लोग को राइट लेना है। एक्चुअली गाइस हमारे पास फ़ोन तो है, फ़ोन में गूगल मैप भी है, बट जस्ट ओनली ऐप है। इंटरनेट ना होने की वजह से सारा चीज़ बेकार हो रखा है। हम लोग इस रास्ते के लिए अनाड़ी हैं, और रास्ता हमें खुद नहीं पता कैसे जाना है। फर्स्ट टाइमर है हम लोग, पता हमें, और बाइक राइड ले रखा है सर। लेफ्ट जाना है या राइट? कोई नहीं, किसी को एडवेंचर बोलते हैं। लद्दाख पहले से ही एडवेंचर ट्रिप है बाइक के लिए स्पेशली। अब हमें यहाँ से लेना है बाइक। चले ओके, सो लेफ्ट में चेक पोस्ट दिख रहा है, आई थिंक सो हमें लेफ्ट ही जाना है, तो मैं इन्हें फॉलो करता हूँ। लेट्स गो। आई थिंक सो हमें चेक पोस्ट पर रुकना होगा, क्योंकि हमने जो परमिट निकाला था तो उस परमिट को यहाँ पे चेक करते हैं ये लोग। तो गाइज, आप जब भी ले आते हो तो आपको लेह लद्दाख के कुछ हिस्सों में जाने के लिए परमिट निकालना पड़ता है, तो याद रखना। आप ऑनलाइन भी परमिट निकाल सकते हो, और फिजिकली वहाँ के ऑफिस जा करके भी आप स्टाम्प मोहर लगवा सकते हो अपने परमिट पे। इजी होगा कि आप ऑनलाइन ही निकालें। इसमें मैंने ग्रुप का निकाला था, तो 4 लोगों का टोटल अराउंड पर हेड अराउंड 700-800 पड़ा था। पूरे लद्दाख का हमने परमिट निकाला था। आप चाहो तो टूरिस्ट प्लेस वाइज भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम अभी अपना परमिट चेक करवा रहे हैं। यहाँ से क्लियरेंस होने के बाद हम लोग निकलेंगे आगे की ओर। तो शायद हमारा परमिट चेक हो चुका है, और हम लोग फिर से एक बार कंफर्म कर रहे हैं कि सामने सीधा ही जाना है या कोई रास्ता बदलना है। सो गाइस, हमें सीधा ही निकलना है। ओके, सो अब हम यहाँ से सीधा, जैसे कि हमारे बताया, किसी रोड को पकड़ के सीधे ही चलते जाना है, कहीं नहीं टर्न लेना है। हम लोग खारदुंगला की ओर निकल लेंगे। तो जैसे गाइस बता रहे थे, मैं बता रहा था आप लोगों को कि हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो लद्दाख एक एडवेंचर टूर है स्पेशली बाइक के लिए। तो अभी तो देख रहे हो रोड कितना ही बढ़िया और बेहतरीन बन चुका है। आर्मी वालों ने बना रखा है ये, जो भी है BRO, लोग BRO ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने बना रखा है ये पूरा रोड। और देख ही रहे हो क्या ही ज़बरदस्त रोड है, और बाइक चलाने में तो कोई तकलीफ हो ही नहीं रहा है। आराम से 2 गाड़ियाँ आराम से पास हो जाएगा, इवन वैन भी। सो चलो मस्ती करते हुए चलते हैं। पुराने मीन्स 5 साल पहले का अगर आप यूट्यूब देखोगे ब्लॉगर्स का, तो आप देख सकते हो कि लद्दाख टूर में क्या ही एडवेंचर था। मीन्स क्या ही ज़बरदस्त रोड थे, मीन्स रफ रोड, पूरे पहाड़ी, पानी, झील, झरना, क्या क्या उन्हें फेस करना था, धूल मिट्टी, और उसके बाद वो एडवेंचर करके रिटर्न होते थे। तो वो एक रियल एडवेंचर होता था कि वो उसने किया है।
बट अभी तो एडवेंचर ख़त्म हो चुका है, दिख रहा है जैसा कि मुझे, आगे का पता नहीं, बताता हूँ आगे जैसे जैसे देखते जाऊँगा और आपको भी दिखाते ही जाऊँगा, तो आप भी फील कर सकते हो क्या एडवेंचर है क्या नहीं। बस एक ही है, अभी देख सकते हो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो काफ़ी ध्यान से चलाओ, क्योंकि हम धीरे धीरे आप देख सकते हो हम लोग हाइट की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा बाइक नॉन स्टॉप ऊपर की ओर चल रहा है, तो और कर्व काफ़ी है पहाड़ी एरिया होने के वजह से, तो आई थिंक सो कि आप देख लो क्या ही खाई बनते जा रहा है हमारा लेफ्ट साइड में, तो काफ़ी ध्यान से चलाना क्योंकि अगर ज़रा सा भी ध्यान आपका इधर से उधर हुआ तो कुछ भी हो सकता है। ये जो बैरियर है ये आपको हर जगह नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं ही आपको दिख रहा है, और आप देख सकते हो धीरे धीरे हम लोग काफ़ी हाइट पर ही जा रहे हैं, रास्ता बहुत ही बढ़िया है लेकिन सामने से कुछ भी नहीं दिख रहा है। आई थिंक सो यहाँ पे कुछ गाड़ी रुका है और इन भैया का फ़ोटो ले रहे हैं शायद, ये लोग शायद व्यू का नज़ारा उठा रहे हैं, नज़ारे के मज़े ले रहे हैं ये लोग, बढ़िया बात है। आप देख रहे हो क्या ही व्यू आ रहा है, बस चारों तरफ सिर्फ पहाड़ बादल, ऐसा लग रहा है आसमान पूरे बादलों में ही टच हुए जा रहा है, और भाई बाइक तो सीरियसली बता रहा हूँ चढ़ ही नहीं रहा है, मीन्स हमारी बाइक ठीक है हिमालयन, बट ये जो 350 जो पीके भाई चला रहे हैं इसकी मैक्सिमम स्पीड 30-40 जा रही है फुल स्पीड पे, जैसा कि पीके भाई बता रहे हैं, और हमारी बाइक ठीक है और इसी वजह से हम लोग भी धीरे चला रहे हैं, नहीं तो पीके भाई पीछे हो जाएंगे। तो चढ़ान पे 350 ये है रॉयल इनफील्ड, ये सीरियसली गाइस कुछ खास नहीं है, शहर के लिए सही है या फिर स्ट्रेट रोड है तो सही है, लेकिन अगर चढ़ान या ऐसे पहाड़ी इलाका है तो ये बाइक कुछ खास नहीं है। पीके भाई फैमिली बोल रहे हैं चढ़ाई कर लिया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमें शायद पहाड़ चेंज करने के लिए हम लोग पहाड़ से भी उतर रहे हैं, फिर शायद दूसरे पहाड़ पे हम लोग चढ़ाई करेंगे, तो इसलिए पीके भाई बोल रहे हैं भाई फाइनली हो गया है, हमने मैंने कर लिया चढ़ा दिया। आप देख रहे हो शायद अभी हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, फिर राउंड होते हुए दूसरे पहाड़ पे चढ़ाई करेंगे, तो कुछ ऐसा ही है गाइस, और व्यूज का तो है क्या ही लाजवाब है, दिल तो कर रहा है हर जगह रुककर एक सेल्फी या फिर फ़ोटो ही निकालूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जैसा कि गाइस मैंने बताया कि हम लोग निकल रखे हैं, टाइम तकरीबन 11 बजने को है, तो हमने 11 बजे निकला है और खारदुंगला ले सिटी से लगभग हुंगू लगभग 170-180 किलोमीटर के आसपास है, अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट या 160-170 किलोमीटर के आसपास में है राउंड, और रास्ता आप देख ही रहे हो स्पीड हम जा नहीं सकते हैं, तो जाहिर सी बात है टाइम लगने वाला है, तो पहले हम लोग पहुँचेंगे खारदुंगला, एंड देन आफ्टर खारदुंगला के बाद नुब्रा भाया नुब्रा वैली होते हुए हम लोग पहुँचेंगे हुंगू, तो चलो चलते हैं आराम से। देखो कितने उम्मीद करता हूँ कि अंधेरा होने से पहले पहुँच जाओ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये अभी रोड आप देख ही रहे हो कि पहाड़ी एरिया काफ़ी कर्व है, हमें रोड का कोई आइडिया नहीं है, तो हम लोग यही कोशिश रहेगा कि अंधेरा से पहले पहुँच जाओ, नहीं तो रात में गाड़ी चलाने में काफ़ी परेशानी हो जाएगा, और जैसा कि मैंने बताया 350 गाड़ी खींच नहीं रहा है, उससे भी परेशानी हो सकता है, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारे बाइक पे सबसे ज़्यादा लोड है, क्योंकि हम लोग डबल हैं शशांक भाई और मैं, तो हमारे बाइक में कुछ ज़्यादा ही लोड है, तो मैं बढ़ता हूँ आगे, आप तब तक राइड का मज़ा ले।
सो गाइस, व्यू तो आप देख ही रहे हो, क्या ही लाजवाब है। रहा नहीं गया तो हम लोगों ने भी यहाँ बाइक लगाया है, और आप भी थोड़ा व्यू का नज़ारा लो, दिखाता हूँ आपको यहाँ से क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है। These skies of a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. तो गाइस, उम्मीद करता हूँ व्यू काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को भी। क्या ही बताऊँ, ज़बरदस्त था, रहा नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हुंडूर तक जाते जाते वीडियो काफ़ी लंबा बन जाने वाला है। तो गाइस, मैं एक काम करूँगा, अगर वीडियो लंबा हो जाता है, अगर मैं देखूँगा 30 मिनट्स तक के अंदर में हो जाता है, तो मैं पूरा हुंडूर तक का वीडियो एक ही क्लिप में डाल दूँगा, और अदरवाइज़ मैं 2 क्लिप में बना दूंगा, क्योंकि व्यू इतना अच्छा है यार, क्या ही मैं कट करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ही जितना हो सके फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, मैं इसमें डाल ही दे रहा हूं, जो हो सकता है वही कर दूंगा। आई थिंक सो हम लोग दूसरे चेक पॉइंट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे भी आई थिंक सो सेम थिंग है, हमें अपना परमिट चेक कराना होगा। गाइज, वो कैफ़े देख रहे हो नीचे, यहाँ पे यूट्यूबर हमेशा आके टी कॉफ़ी पीते हैं नीचे लेफ्ट साइड। ओके, सो गाइज, पीके भाई हमारे कर गए, पीके भाई ने हमने देखा होगा कि हमारे परमिट को दिखाया। ओ भाई, आप देख रहे हो कि उस चेक पोस्ट के बाद क्या ही चढ़ान है, आप देखते जाओ, चढ़ान तो बहुत ज़बरदस्त है, और व्यू भी उतना ही खतरनाक है। देखा जाए तो गाइस, राइड करते समय अगर मैं नीचे देख रहा हूँ लेफ्ट साइड, तो मुझे सरा सा डिजिंग टाइप का फीलिंग हो रहा है, थोड़ा हेडेक टाइप का लग रहा है, मीन्स लग रहा है ऐसे कि आंखों के सामने ब्लर सा हो रहा है, क्योंकि डर सा लग रहा है नीचे देख रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ चुका हूँ, और नीचे देखने पे सीरियसली काफ़ी फट रही है गाइस, और मौसम भी थोड़ा ठीक नहीं है, काफ़ी ठंड हो चुका है। आपको तो पता ही है कि लास्ट टाइम, अच्छा गाइस ये देखो, यहाँ से हमने ऑफ रोड पकड़ लिया, रोड अभी तक काफ़ी अच्छा था, और यहाँ से हमें रोड काफ़ी ऑफ मिल रहा है, मतलब मिल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये हम अपने बिहार या झारखंड में ही गाड़ी चला रहे हैं। आपको तो पता ही है हमारे एरिया का मैक्सिमम रोड इसी तरीके का है, सिर्फ शहरों को छोड़ दे तो पटना साइड और रांची साइड का अगर रोड हम छोड़ दें, तो ज़्यादातर रोड हमारे साथ ऐसा ही है। अभी तो खैर अपने साइड भी रोड काफ़ी अच्छा बन चुका है बिहार झारखंड में भी, लेकिन पहले तो आपको भी पता है क्या ही था वहाँ उधर अपनी तरफ, तो देख ही सकते हो रोड ऑफ है, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मिट्टी डालकर शायद रोल कर दिया गया है, और ये शायद बारिश के वजह से बैठा हुआ लग रहा है पूरा रोड। तो ध्यान से गाड़ी चलाना होगा, क्योंकि अगर ऐसे में अगर आपके टायर वगैरह पंचर होने का ज़्यादा चांसेस होता है, आपके व्हील के भी काफ़ी डैमेज हो सकते हैं,
तो थोड़ा ध्यान से रखना होगा, ड्राइव करना होगा आपको, तो इसलिए मैं थोड़ा गाड़ी धीरे भी चला रहा हूँ ऑफ रोड के वजह से। और देखते हैं तरीके साइड बोले चचा। तो हाँ सही बोला गाइस, आप देख रहे हो यहाँ से रोड का शायद आगे काम चल रहा हो, शायद इसलिए ऐसा है। आप देख रहे हो पहाड़ों का नज़ारा, शायद वो जो अभी गाड़ी गई थी वो उसी ने शायद जेसीबी ने रोड काटा होगा, ये पहाड़ काटा या जो भी है बराबर, आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, जो भी है रोड तो काफ़ी देख ही रहे कैसा है। यहाँ हम लोग रुके हैं थोड़ा सा फिर से व्यू लेने के लिए, क्योंकि व्यू काफ़ी खूबसूरत है गाइस, और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं खारदुंगला, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा स्नो भी हो रहा है गाइस यहाँ पे। मौसम मैंने जैसे बताया काफ़ी ख़राब है, और हमने अपना बाइक पार्क किया है इस साइड में, और पार्किंग के साथ ही आप देख सकते हो मेरे सारे फ्रेंड चालू हो गए हैं फ़ोटो सेशन के लिए। वो देखो हसित भाई पीछे लगे पड़े हैं, और उधर पीके भाई भी लगे हुए हैं, शशांक भाई भी लगे हुए हैं, सभी अपने फ़ोटो सेशन में लगा रखे हैं। आई थिंक सो यहाँ पे काफ़ी स्नो हुआ है लास्ट नाइट को, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था काफ़ी बारिश हुआ है एक दो दिन से काफ़ी बारिश हो रहा है। जब हम लोग ले में थे तो आपको याद होगा हम लोग जब मैग्नेटिक हिल कर रहे थे तो पूरा गीले हो गए थे, तभी हमने अपना रेनकोट खरीदा था ले से, और शायद हम लोग यहाँ से रेनकोट पहन करके ही ड्राइव करेंगे। और अच्छा खासा यहाँ स्नो है चारों तरफ, व्यू भी काफ़ी अच्छा है। आपको यहाँ का नोटिस बोर्ड में पढ़ा दूँ जो कि आर्मी मेडिकल के द्वारा लिखा हुआ है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। एक मिनट गाइस मैं दिखाता हूँ, ये देखो इसमें लिखा हुआ है, ये सियाचिन वारियर के तरफ से, मीन्स उनका जो बटालियन है सियाचिन वारियर उनके तरफ से, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है इस जगह पे, सो 20 मिनट से ज़्यादा देर आप यहाँ ना रुके और पानी रेगुलर पीते रहें, और अगर आपको डिजीनेस या हेडेक फील हो रहा है तो आप तुरंत लोअर लैटिट्यूड की तरफ ड्राइव करें, और अगर आपको ज़्यादा सीरियस हो रहा है तो सामने में इधर मेडिकल सेंटर है, आप वहाँ पे इन केस ऑफ इमरजेंसी जा सकते हैं। तो यही सारा चीज़ लिखा हुआ है हेल्थ एडवाइजरी के तौर पर। सो गाइस थोड़ा ध्यान रखना, काफ़ी हायर लैटिट्यूड है ये वर्ल्ड का, आप ये हर बाइकर का एक ख्वाब होता है कि हम यहाँ राइड करके आए। सामने में एक कैफ़े दिख रहा है, तो चलो कैफ़े की तरफ भी चलते हैं, काफ़ी ठंड भी लग रहा है यार, और ड्राइव करते करते पूरे शक्ल और बाल की और मूड की तो 12 बज गया, लेकिन खुशी इस बात का है कि फाइनली हमने खारदुंगला वर्ल्ड हाईएस्ट पॉइंट कर चुका हूँ, तो कर लिया हूँ। यहाँ पे एटीएम भी गाइज, और आप देख लो खारदुंगला कैफ़े। चलो कॉफ़ी पीते हैं, फिर कॉफ़ी पीते पीते बात करते हैं, काफ़ी थक गया हूँ, और वीडियो आई थिंक सो गाइज बड़ा होगा, तो मैं वीडियो को दो पार्ट में डालूँगा हुंडूर तक पहुँचते हुए, तो ऐसा ही होगा। तो चलो अंदर पहले कॉफ़ी लेने चलता हूँ, गुडनेस काफ़ी भीड़ है गाइज। चलो कॉफ़ी लेकर मैं आ गया हूँ बाहर, और आपको पहाड़ के साइड से दिखाता हूँ कॉफ़ी पीते हुए, क्या ही मस्त व्यू है। सो गाइज एक काम करते हैं, इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे, और इसके आगे का आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। सो इस ब्लॉग को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है, तो आप ऐसा ही करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो गाइस चलो आपको यहीं पे इस ब्लॉग को क्लोज करता हूँ आज के लिए, और इसी वीडियो को मैं कल से कंटिन्यू कर दूँगा। सो एंजॉय द व्यू गाइस।